एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यूपी पंचायत चुनाव से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। आपको बता दें, सपा सरकार का वो नियम जिसे योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, यूपी पंचायत चुनाव के लिए अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के अनुसार ही वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानकर पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा के अनुसार 25 मई तक ही राज्य में पंचायत चुनाव करवा लिए जाएंगे। योगी सरकार ने इस साल 10 फरवरी को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए पंचायती राज अधिनियम में 2015 में तत्कालीन सपा सरकार को किए गए 10वें संशोधन को खत्म करते हुए 11वां संशोधन किया था। 11 फरवरी को इस बाबत पंचायती राज विभाग ने नया शासनादेश जारी किया था। इस संशोधन के जरिए वर्ष 1995 को आदर्श वर्ष मानकर पंचायतों के सीटों का आरक्षण तय किया गया था। सपा सरकार ने उस संशोधन के जरिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों की सीटों का आरक्षण शून्य करते हुए नए सिरे से इन सीटों का आरक्षण तय किया था। मंगलवार को प्रदेश सरकार ने 10 फरवरी को पंचायती राज अधिनियम में किए गए 11वें संशोधन को वापस लेते हुए 12वां संशोधन किया, जिसके तहत सपा सरकार में किए गए 10वें संशोधन को फिर से बहाल किया गया। पंचायत चुनाव के लिए प्रस्तावित आरक्षण सूची को दोबारा से तैयार किया जाएगा और इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अफसरों का कहना है कि अभी तक गाइडलाइंस नहीं मिली है, गाइडलाइंस के आधार पर ही आरक्षण सूची को तैयार किया जाएगा, आज शासनादेश जारी हो जाएगा। हाईकोर्ट ने प्रस्तावित आरक्षण सूची को निरस्त कर दिया है, साथ ही सरकार को 2015 को आधार वर्ष मानकर दोबारा आरक्षण तय करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से ये एक बार फिर से आरक्षण सूची तैयार करने की कवायद शुरू हो गई। 27 मार्च तक आरक्षण सूची जारी करनी है, उसके लिए वर्ष 2015 के आरक्षण को खंगाला जा रहा है। हालांकि पंचायत राज विभाग के अफसरों का कहना है कि सरकार गाइडलाइंस जारी नहीं की है, जैसे ही सरकार गाइडलाइंस जारी होगी उसी आधार पर आरक्षण सूची दोबारा से प्रकाशन किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र सिंह का कहना है कि आरक्षण सूची नए सिरे से शुरू होगी, इसके लिए सरकार गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार हर पोलिंग बूथ पर 3 के बजाय 2 मतपेटी उपलब्ध करवाई जाएंगी। चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद अगर किसी मतदान स्थल पर भारी संख्या में उम्मीदवार हो जाएंगे तो वहां पर हर पोलिंग बूथ पर 3 मतपेटी दी जाएंगी। एक मतपेटी में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य पदों के मतपत्र डाले जाएंगे। एक मतपेटी भरने के बाद दूसरी मतपेटी इस्तेमाल की जाएगी। ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है। इस बाबत सभी जिला अधिकारियों को आयोग के अवर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से पत्र भेजा गया है। इस पत्र के अनुसार इन चारों पदों के लिए एक जिले में एक ही बार में मतदान करवाया जाएगा। प्रत्येक चरण में 18 या 19 जिले होंगे। इस तरह से पूरा पंचायत चुनाव 4 चरणों में सम्पन्न करवाया जाएगा। दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। रोजाना पंचायत चुनाव की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।